बाप तो बोलना बेकार सा, कहीं गांव में कुछ उसका वही व्यवहार है। रंगदारी मांगता है पैसा 1,00,000 टका दो, नहीं तो दुकान नहीं चलने देंगे। घर पर आकर बाल बच्चा को गाली गलौज दिया, पैसा देना होगा नहीं तो मार देंगे, गाली गलौज देंगे, सब चाकू जानता है। मेला लगा कि मेरा बाल ऐसे हाथ में लपेट के घिस के मारा, ऐसे बहुत केस चल रहा, मोबाइल नाम लेके जा रहा है, वो बोला कि घर में घुस के रेप करेंगे, कहीं रास्ते में गोली मरवा देंगे, धमकी देते पूर्णिया जाएंगे सामने से ये करेंगे वो करेंगे, दरवाजा लगा दिए, दरवाजा फांग के तोड़ के अंदर आ गए वो लोग, मारपीट करने हम लोग के गांव को लूट के खा रहा है। 5 किलो 10 किलो इसका काटता है, उसका काटता है, तेल ब्लैक से बेचता है, बोरा का बोरा बेचता है, जाके गोदाम देखिएगा तो पूरा बोरा रहेगा, अनाज उतरता है, उसके बाद बांटने वक्त बोलता है ही। आ गए तो वो सबके हाथ में ईटा, ये देख रहे हैं ना, ये रड, उससे जैसे पहुंचे हैं कि वार कर दिया, और अब वार करने के बाद देखिए यहाँ हाल यही हुआ है। बेटा, उसकी बेटी, नाम क्या है, उपेंद्र गुप्ता गुवासी, राशन करता है, उसमें जो है 35 किलो का किसान रहती है, गरीब आदमी से पैसा लेता है, देता है 30 किलो सर, उसमें भी 10 किलो 10 रुपया उसमें भी लेता है सर, उसी राशन को 20 रुपया के रेट से बेचता है ये डीलर सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हर पल, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। मरंगा थाना क्षेत्र के गुवासी पंचायत में आज एक जन वितरण प्रणाली केंद्र पर जब वितरण कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान एक पार्टी आकर धावा बोला और जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्ष जख्मी हैं और सब अपना अपना इलाज कराकर आज मरंगा थाना में दोनों तरफ से आवेदन लेकर पहुँचे और आवेदन देकर केस दर्ज किया। मामला ये बताया गया, वार्ड नंबर 12 से जन वितरण प्रणाली केंद्र के जो मालिक हैं उपेंद्र शाह जी जब अपना राशन वितरण कार्यक्रम शुरू किए तो वहीं 10 नंबर वार्ड के कुछ लोग आए राशन लेने के लिए, और उन्हीं में उसी वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं उनके पति भी आए, और उन लोगों वो उनसे पूछने लगे राशन धारी की तरफ से जन वितरण प्रणाली केंद्र वाले को कि आप राशन कम दे रहे हैं, जिसको लेकर दोनों में बहसबाजी हुई और बाद में भयंकर रूप से मार हुआ है। दूसरी तरफ इनके घर पर, यानी कि जो जन वितरण प्रणाली केंद्र के मालिक हैं उनके घर पर उन लोगों ने हमला बोलकर ग्रिल छड़प कर आरोप लगाया गया कि ग्रिल को छड़प कर सब अंदर आए और हम लोगों के साथ मारपीट किया है। सभी ने केस करने के लिए थाने में आवेदन दिया है और दोनों का केस थाने में ले लिया गया है आवेदन। अब आगे देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा है, कैसे घटना हुई और किस कारण से हुई, वो सब जो बताया है आइए हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। क्या मामला है? मामला जब से वो वार्ड मेंबर बना है तब से दुकान पर आके शराब पी के गाली गलौज मारपीट के नौवा देता है, लगातार ये 2-3 महीना से चल रहा था। पूर्व में भी गाड़ी पर से सामान उतार लिया था, 5-5 बोरा चावल, विनोद गुप्ता का, वही विवेका यादव। अच्छा, विवेका यादव कौन है? वो वार्ड मेंबर अभी है, पहले वो था सर, पत्नी है, पत्नी वार्ड मेंबर है जी। क्या करता है वो? अभी कुछ नहीं, दारू पी के भागने को। क्या करता है? रंगदारी मांगता है पैसा 1,00,000 टका दो, नहीं तो दुकान नहीं चलने देंगे। आप क्या करते हैं? हम डीलरशिप करते हैं। कितने साल से डीलर है? 40 साल से। अच्छा, अभी ये बताइए, अभी क्या मामला हुआ था जो आप यहाँ पहुँचे हैं? कल हम मुखिया जी के साथ झंडा फहरा रहे थे पंचायत भवन में, ये घर पर आकर बाल बच्चा को गाली गलौज दिया, पैसा देना होगा नहीं तो मार देंगे, गाली गलौज देंगे, सब चाकू जानता है। आप लोग क्या किए फिर? कुछ नहीं, हम थे वहाँ। उसका माथा कैसे फूटा? वो तो गिर गया, वो हमारे घर घुस रहा था, सीढ़ी पर से गिरा है, ग्रिल से ग्रिल लगा हुआ तो मेरे घर के अंदर जो इनके ना फांग के, तो मुखिया जी को फिर जाके हम कहे कैसे सेवा, सरपंच साहब को कहे, आके एमओ साहब को कहे, एमओ साहब कहे कि अगर ऐसा बात है तो आप तुरंत जाकर कल थाना में, आज के विषय में बोला, आज थाना में पिटीशन दे दीजिएगा, एगो SDO साहब को दीजिएगा, एगो हमको भी दे दीजिएगा। सवेरे दुकान खोल के हम बैठे थे, वितरण किए, उसी समय आया गाली गलौज, कॉपी टोपी फाड़ लिया, पैसा ले लिया, मारपीट शुरू हो गया, तो थोड़ा सा दुकान उधर है और उधर से यहाँ से घर पर आके घुस के। अच्छा, ये मामले की शुरुआत कब से हुई है? 2-3 महीना से हो रहा है, जब से वार्ड मेंबर। ऐसा क्यों कर रहा है? पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। उनका कहना है कि आप अनाज भी कम देते हैं लोगों को। हम कम देते हैं तो हम सर मुखिया है ना, सरपंच है ना,
पदाधिकारी हैं, SDO साहब हैं, MO साहब हैं, शिकायत करेगा, लिख के देगा, चाहे कोई बात होगा। आज जो आप वितरण कर रहे थे वो आपसे पूछने गया था कि कम क्यों दे? नहीं कुछ नहीं, हमसे कोई बात ना आया। गाड़ी को शुरू दारू पी के पाँच किलो हाँ हाँ क्या क्या है अनाज में? गेहूँ चावल, गेहूँ चावल। इस मामले को प्रतिनिधियों से बात हुई आपके जो मुखिया हैं, सरपंच हैं? हाँ सबसे पहले थाना जाइए आप, उसके बाद तो एक आपके वार्ड का वार्ड सदस्य है हाँ। तो उनका अधिकार है आपसे पूछने का, तो वो गया था पूछने तो ठीक है सर, आपका बात मान लीजिए, पूछ सकता है, वाजिब बात है पूछे तो। कोई भी मुखिया सरपंच और हम पूछिए 50 बार मुखिया उप मुखिया सरपंच सबको बोले कि बैठे। इसको लेकर मार कैसे शुरू किया? बाप वो तो बोलना बेकार सर, कहीं गांव में पूछेगा उसका वही व्यवहार है, वही गिरा है। हम देख श्री बच्चा के जो ज्यादा तक हम लोग अभी आप लोग कहां है? थाना है अभी आप लोग कहां है? थाना है आवेदन देने के जी। किनका किनका खिलाफ? वो चार पांच आदमी। क्या क्या नाम है? एक विवेक यादव, गौरव यादव और पंकज यादव। अच्छा तीनों और सब साथ थे आदमी। हाँ हाँ मारपीट तीनों किए थे जी, मारपीट तीनों किए थे। हाँ बाप वो तो घूमना चाहिए अगर सब पता चलेगा सर। परिचय बता दिया घर पे? वो उपेंद्र प्रसाद साह भारद्वासी, बाबूजी का नाम सोती साह। इतना आदमी देखने वाला, कोई बचाने वाला नहीं था। सब बस मेला लगा कि मेरा बाल ऐसे हाथ में लपेट के घिस के मारा। पहले से बहुत केस चल रहा, मोबाइल उठा लेके जा रहा था, वो बोला कि ना घर में घुस के रेप करेंगे, कहीं रास्ते में मिल के गोली मरवा देंगे। वो था वो गौरव यादव का मिस्त्री साहब, आदमी लेके आया घर पे, बोला कि बेटा जाता है ना पढ़ने रोज, गोली मरवा देंगे, बोला घर में घुस के रेप करेंगे, कहीं जाएंगे। ऐसे भी केस चल रहा है, सब कुछ करता है पहले से, गोली मार देंगे। ये क्यों बोला अपना मर्जी घर घुस गया था, बीवी से छेड़खानी किया तो मारा था, कहाँ नहीं मार खाया वो, कितना बार जेल जा चुका है। करेंगे नहीं, मन श्वेता नाम है मेरा, रात में घर पे आता, रात में कौन सा वितरण होता है? 9 बजे रात में आया था, जबरदस्ती घर में घुसता, गाली गलौज करता, आदमी लेके आता है। आपका क्या नाम है? मनीषा। आपका डीलर साहब कौन है? पापा है मेरे। आपके भी? आपके साथ भी मारपीट हुआ? जी मेरे सारे भाई इनके साथ मारपीट किए हुए, मेरा सरिता से मारे, यहाँ पे फूल गया है मेरा, 40 साल से जो बाल पकड़ पकड़ के वो लोग मारे हैं, धमकी देते पूर्णिया जाएगी पढ़ने से, ये करेंगे वो करेंगे, मारेंगे गोली मारेंगे रेप करेंगे। गौरव यादव पहले वो सबको बुला लिया, प्लानिंग करती है, 6-7 लोग जी, हम लोग के घर दरवाजा लगा दिए, दरवाजा फांग के तोड़ के अंदर आ गए वो लोग मारपीट करने, हम लोग के घर घूस के मारे। यही लोग मेरे यहाँ काम कर रहा था, लेबर मिस्त्री आंगन प्लास्टर हो रहा था, ये काम कर रहे थे, यही लोग चुराने वाले, इसका सोना का चैन था गला से वो भी छीन लिए, ये लोग नहीं रहते ना बचाने के लिए, आज लोग जिंदा नहीं रहते। क्या नाम है? सपना कुमारी। मेरे पापा हैं। क्या नाम? उपेंद्र प्रसाद गुप्ता। वार्ड नंबर 12। क्या हुआ था जी? किस में लड़ाई झगड़ा हुआ बोले? तो हम लोग वहाँ काम कर रहे सीमेंट वालों को, वहाँ सर इसी का काम कर रहे, उपेंद्र चा को काम सर कर रहे थे हम सब वहाँ पे, रोज वो आता था विवेक यादव, डेली हम गमा मचाया जाता था, दारू पी का आता था, नशा में ये कर देंगे वो कर देंगे, जब जिसको हम अनाज ले रहे हैं हमको दिक्कत नहीं है, उसको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो डेली आता था। वो डेली क्या कहने हैं? क्या कहने कि सबको कम देता है, राशन कम देता है कम, तो हम सबको यही कहना है कि हमको दिया कोटा वाले गहूँ चौर, तो हमको दिक्कत नहीं है, उसको क्या दिक्कत है जो कि लड़ाई झगड़ा करता घर घुस के, जो लेता है जो उपभोक्ता है उसको दिक्कत नहीं होती? नहीं है, इसको किस लिए दिक्कत? क्या नाम? किसका? विपिन कुमार फसमा। घर कहाँ? ग्वासी। वार्ड नंबर 11। तो इन्हीं के वार्ड में आपका घर? हाँ। इस डीलर का उपभोक्ता है? इस डीलर से कार्डधारी है इसका? था पहले, और हमारे से कोई 11 वार्ड में चला गया है, अभी दूसरे उसके पास। हाँ उसका नंबर। आपका क्या नाम? लालू पासवान।
वार्ड नंबर कितना? मामला ये हुआ है सर कि अगेंस्ट पार्टी जो है वो डीलर है बहुत दिन से, और बहुत दिन से गांव को लूट के खा रहा है। 5 किलो 10 किलो इसका काटता है, उसका काटता है, तेल ब्लैक से बेचता है, बोरा का बोरा बेचता है। जाके गोदाम देखिएगा तो पूरा बोरा रहेगा, अनाज उतरता है तो उसके बाद बांटने वक्त बोलता है ही नहीं। आज क्या हुआ? आज हुआ, भैया मेरे रिटायर्ड आर्मी है, इस बार वार्ड सदस्य में जीते हैं तो वहाँ गए उसको मना करने के लिए कि क्यों ऐसे कर रहे हैं जनता के साथ। तो उस पर पूरा परिवार मिल के, उसका 3-4 लेबर काम कर रहा था उसका घर पे, सब इनको मारने लगे। और जब हमको गांव वाले ने बताया कि आपके भाई को ऐसे ऐसे लड़ाई हुआ है, जाइए वहाँ, वहाँ गए तो वो सबके हाथ में ईटा, ये देख रहे हैं ना, ये रड, उससे जैसे पहुँचे हैं कि वार कर दिया। और वार करने के बाद देखिए यहाँ हाल यही हुआ है, आगे देखते हैं थाना में क्या होता है। मारने वाला, मारने वाला डीलर, डीलर का बेटा, उसकी बेटी, नाम क्या है डीलर? उपेंद्र गुप्ता गुवासी। अब देखिए क्या होता है सर, आगे यहाँ आए हैं, नया मिलेगा ठीक, वरना आगे जो होगा। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ, यादव, घर, घर गुवासी, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर 10। साथ हुआ मेरे साथ एक दो भाई थे, उसको भी मारा गया है, सब आया है, सबका हाँ मार के ये सब गेट लॉक करके, उल्टा उल्टा यहाँ लिखवाने आया है कि मेरे साथ रेप करने का कोशिश किया गया है, उल्टा के। और अगेंस्ट पार्टी भी आगे है उस साइड, और गांव वाला पूरा देखा है कि किसका क्या गलती है, नहीं है, इतना दिन से हो रहा है, तो देखिए अब क्या होता है निया। एक ही वार्ड में सबका? हाँ, एक ही वार्ड क्या, पूरा 10 वार्ड 15 वार्ड है, और सभी जानते हैं शुरू से गलती इसका, पहले से सब जान रहा है, बदमाशी कर रहा है इतना दिन से, अब राज नहीं चलेगा इसका। मामला मेन वितरण से ही जुड़ा हुआ? हाँ, राशन वितरण, राशन वितरण से ही जुड़ा हुआ है। आप लेने गए थे? हाँ, लेने नहीं गए थे, जनता जितना भी दर था ना, सब भैया के पास आया शिकायत करने के लिए, ऐसा ऐसा बात है, ये गए रोकने के लिए उसको, तो सब मिल वार्ड सदस्य जो है इसी को मारने लगे, मारने लगे। क्या नाम है वार्ड सदस्य का? विवेकानंद आर्य। विवेकानंद जी, भाई है आपका? भाई है, रिटायर्ड आर्मी भी है। और हमारे पास कई रिपोर्ट आ चुका है सर कि हमारा जो 10 किलो 15 किलो राशन काट लेता है सर, पूरे पुख्ता सबूत के साथ हम गए कि तुम जो है गरीबों का राशन किस लिए काट रहे हो, तो वो बोला, हम कई बार समझाए, आज जब गए तो आपके सामने ये देखिए सबूत है, आपने राशन, ये लोग जो 3 बेटी, 1 बेटा, इसका भतीजा प्लस उपेंद्र डीलर, मादर चोद, बहन चोद, ये लोग पूरा तैयारी करके साथ हमारा, ये देखिए हाथ सूज गया सर, ये लाठी लगाया सर, और यहाँ ये उंगली कट गया, ये देखिए सर कट गया है सर, और सर पे भी लगा है हल्का फुल्का चोट। आप एक प्रतिनिधि के नाते गए थे बात करने? प्रतिनिधि के नाते ये लोग लाठी फरसा सब चलाना शुरू कर दिया सर। आप पूछे नहीं क्यों मार रहे? ये हम पूछे सर, ये लोग सुनता ही नहीं सर, हम ये सबका मनमना है, बोलता है जो जिसको बोलना है बोलो, हम काटेंगे, पूरे पंचायत में सबूत दिला देंगे सर कि ये जो है सबसे 10 किलो काटता है। अभी हम खुद 25-30 गाड़ी का साधन नहीं था, हम 25-30 और ब्लैक से बेचता है, ब्लैक से बेचता है, हम लोग को नहीं देता है, बाद में 35 किलो का पैसा लेता है, 35 किलो का पैसा लेता है, ऊर्जा तक नहीं देता, 35 किलो का राशन करता है, उसमें जो है 35 किलो का किसान गरीब आदमी से पैसा लेता है, देता है 30 किलो सर, उसमें भी 10 रुपया उसमें भी लेता है सर, उसी राशन को 20 रुपया के रेट से बेचता है ये डीलर सर। किसके किसके साथ मारपीट हुआ आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है पंकज, मेरा जो है ये मामा का लड़का है पंकज, और मैं और हम दोनों, और ये जो था भी मारा है, बचाने के लिए भाई गया, इनको भी मारा है, वो सब पहले से तैयार था मार करने के लिए, ये भी जैसे सुना तो वैसे ही जी, इन लोगों को भी मारा है सर। ठीक है सर, मुखिया को कंप्लेन किए? मुखिया को नहीं सर, मुखिया तो हमने क्या डायरेक्ट थाना इन्फॉर्म आए सर, केस करने आए हैं। हाँ, केस। क्या नाम है? मेरा नाम विवेकानंद आर्य है सर, वार्ड सदस्य हैं आप? वार्ड सदस्य से मेरी फैमिली है सर। आप प्रतिनिधि हैं? मैं प्रतिनिधि, यानी कि हम दोनों जो हैं, इनका प्रतिनिधित्व आप करते हैं? मैं करता हूं सर। कितना नंबर वार्ड से? 10।